नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह की। प्रेम एक ऐसा विषय है जिस पर सब लोग बात करना चाहते हैं, सब लोग डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन क्या प्रेम आपकी किस्मत में है? क्या प्रेम आपके भाग्य में है? तो आज मैं आपको कुंडली के माध्यम से, यानी कुंडली के द्वारा और हाथ की रेखाओं के द्वारा आपको बताऊँगा कि आपकी किस्मत में प्यार या प्रेम है या नहीं, और अगर है तो प्रेम विवाह हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हस्तरेखा के माध्यम से, क्योंकि कुंडली सबके पास होती नहीं है, तो हाथ की रेखाओं से आप आसानी से देख सकते हो कि आपकी किस्मत में प्रेम है या नहीं। ठीक है, ये जिसे आप देख रहे हैं ये जो रेखा है उसको हम बोलते हैं हृदय की रेखा। इसको बोलते हैं हृदय रेखा। ठीक है, ये रेखा है हृदय रेखा, और ये जो जा रही है ये वाली रेखा, इसको बोलते हैं हम भाग्य रेखा। ये रेखा कौन सी है? भाग्य। ये जो रेखा हो गई वो हृदय रेखा हो गई, और ये वाली हो गई भाग्य रेखा। अगर हृदय रेखा से कुछ रेखाएं भाग्य रेखा पर जाके मिल जाए, एक या एक से ज़्यादा रेखाएं किससे? भाग्य वाली रेखाओं से निकलकर अगर वो हृदय रेखा से मिलती है, तो ऐसे लोगों के प्रेम विवाह होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि आपकी किस्मत में प्रेम विवाह या प्रेम है या नहीं। अगर ये चीज़ है तो प्रेम तो स्वाभाविक है, हो गई। आप चाहें तो आप उसे उस प्रेम को प्रेम विवाह में भी परिवर्तित कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी हस्तरेखा के माध्यम से। अब मैं आपको कुंडली के द्वारा बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे योग होते हैं जिसके थ्रू आप आसानी से पता कर सकते हो। जिसको कुंडली देखना नहीं आता है वो भी आसानी से पता कर सकता है कि उसकी किस्मत में प्रेम विवाह है या नहीं है। तो चलिए हम कुंडली के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि आप ये कुंडली देख रहे हैं, ये प्रथम भाव कहलाता है। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सातवां भाव, आठवां, नवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां। टोटल 12 भाव होते हैं, मतलब कुल मिला के 12 घर होते हैं कुंडली के अंदर। ठीक है, उस कुंडली में कुछ ना कुछ नंबर लिखे होते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ लिखा मैंने 5, तो यहाँ आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 एंड 4। ये मैंने कुछ नंबर लिख लिए हैं। इसी नंबर के आधार पर ही सारी कुंडली की जो गणना होती है वो इसी नंबर के आधार पर होती है। अब वो नंबर क्या है? वो नंबर है एक्चुअली में जो आपकी राशि है उसका क्रम है। राशियों का क्रम को ही यहाँ नंबर बोला गया है। आप अगर देखना चाहते हैं कौन से नंबर की कौन सी राशि, तो देखिए साइड में ये सारी राशियाँ लिखी हुई है। इस पे से आप देख सकते हो कि कौन सी राशि का कौन सा नंबर है। ठीक है, और इधर मैंने क्या करा है कि उन राशियों के स्वामी कौन से है वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, राशियों के स्वामी पूरे। ठीक है, ये पूरे राशि के स्वामी हैं। जो प्रथम भाव है इसको हम लग्न भी बोलते हैं, लग्न। ठीक है, तो लग्न भी बोलते हैं और प्रथम भाव भी है ये। इस पर क्या लिखा है? 5, 5 यहाँ देखेंगे तो 5 क्या मिलेगा आपको? सिंह। तो इसका मतलब सिंह लग्न की कुंडली होगी। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एक सूत्र बताता हूँ जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग है या नहीं है। तो पहला योग देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पहला जो नियम लिखा है वो लिखा है लग्न में 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8 इनमें से कोई एक नंबर या कोई एक राशि लिखी हो। जैसे मैं सपोज करो यहाँ पे लिखा है 1, या लिखा है 2, या लिखा है 3, या लिखा है 4, या लिखा है 6, 7, 8, इनमें से कोई एक नंबर लिखा हो यहाँ पे, वैसे एक ही आएगा। तो कोई भी अगर नंबर लिखा इनमें से 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 में से कोई भी नंबर लिखा है, इट मीन्स आपके अंदर प्यार करने की जज्बात, यानी आपके अंदर इस प्रकार की जज्बात है कि आप किसी से प्यार या किसी से प्रेम कर सकें। देखिए क्या होता है ना कि हम प्रेम विवाह के लिए कुंडली तो देखने लग गए, लेकिन सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर प्रेम करने के गुण हैवी या नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में ये जो नंबर लिखे हैं, जैसे 1 आपकी कुंडली के जो फर्स्ट घर है यानी पहला जो भाव है उसके अंदर अगर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 इनमें से कोई भी नंबर लिखा है, यानी इनमें से कोई सी भी राशि की अगर आपकी जो लग्न है, तो आपके अंदर प्रेम करने के गुण है। ठीक है, चलिए मान लिया कि आपके अंदर प्रेम करने के गुण तो है, लेकिन क्या आप में हिम्मत है अपने प्रेम को इजहार करने की, या अपने जो आपका लव है उसको एक्सप्रेस करने की जो हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर, क्या वो है? वो किससे देखेंगे? वो देखेंगे हम मंगल से। कैसे देखेंगे बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो हमारा दूसरा नियम क्या है?
कि शुक्र मंगल की युति, शुक्र और मंगल की युति मतलब एक साथ होना, युति का मतलब होता है एक साथ होना। तो अगर शुक्र और मंगल इस पूरी कुंडली में कहीं पर भी हो, इन 12 घरों में से किसी भी घर में अगर शुक्र मंगल एक साथ बैठे हो, सपोज़ करो यहाँ पे ये शुक्र और मंगल आपके एक साथ बैठे हो इस घर में, या सपोज़ करो यहाँ पर बैठे हैं शुक्र और मंगल एक ही घर में दोनों बैठे हैं, या किसी भी घर में मान सकते हो शुक्र मंगल, कहीं पर भी शुक्र और मंगल अगर एक साथ बैठे हैं इसका मतलब ये है कि आपका अफेयर जरूर होगा। आप इस अफेयर को प्रेम विवाह में रूपांतरित, परिवर्तित या प्रेम विवाह कर सकते हो। अगर शुक्र और मंगल कहीं पर भी एक साथ बैठे हैं, उन 12 घरों में से कहीं पर भी एक साथ बैठे हैं, तो इन्हें आपके अंदर हिम्मत होगी कि आप अपने प्यार का इजहार कर सकें, इस बात को शो करता है। अगर शुक्र मंगल एक साथ बैठे, एक तो ये कि आपके आपको प्यार करने का गुण आपके अंदर होगा, दूसरी बात ये है कि आपको प्यार का इजहार करने की भी आपके अंदर क्षमता होगी, इस बात को शो करता है। और इस प्यार को आप शादी में भी बदल सकते हो, ये भी इसके थ्रू बताया जा सकता है। ठीक है, ये हो गए हमारे दो रूल। अब हम तीसरे रूल की बात करते हैं। तो अगर पंचमेश का, पंचमेश क्या होता है, पंचम भाव का स्वामी, इसको हम पंचमेश बोलते हैं। तो देखिए पंचम भाव कहाँ लिखा है, ये पंचम भाव लिखा है, ठीक है, ये पंचम भाव होगा, इस पर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, कोई ना कोई नंबर एक से लगा के 12 तक के नंबर्स में से कोई ना कोई एक नंबर इस जगह पे लिखा होगा। सपोज़ करो यहाँ पे लिखा है 6, ऐसा अपन मान लेते हैं, क्या लिखा है 6, तो पंचम भाव पे 6 लिखा है, यानी 6 नंबर का स्वामी देखेंगे, ये 6 है और 6 का स्वामी क्या मिल रहा है आपको, बुध। अब 6 का जो स्वामी क्या है, बुध। अगर बुध इस कुंडली में कहीं पर भी शुक्र या मंगल के साथ बैठा हो, शुक्र या मंगल के साथ बैठा हो, या शुक्र या मंगल के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध रखता हो, जैसे जैसे बताऊं कि यहाँ लिखा है शुक्र और शुक्र के साथ क्या बैठ गया है, शुक्र के साथ बैठ गया बुध, तो ये शादी करने के योग बनाता है, यानी कौन सी शादी, प्रेम विवाह करने के योग होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये बुध है और बुध किसके साथ बैठा हुआ, मंगल के साथ, कहीं पर भी, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ कहीं पर भी, 12 घरों में से कहीं पर भी बैठ सकते हैं, अगर बुध मंगल के साथ बैठा है तो भी प्रेम विवाह होने के चांस है, बुध अगर शुक्र के साथ बैठा है तो भी प्रेम विवाह होने के चांसेस है। सपोज करो वो साथ में नहीं बैठे लेकिन संबंध बना रहे, अब संबंध कैसे बनाएंगे वो बता देता हूँ आपको ना। जैसे यहाँ बैठा है शुक्र और यहाँ बैठा है बुध, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री पे बैठे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं सातवीं दृष्टि, और सातवीं दृष्टि को हम पूर्ण दृष्टि बोलते हैं, और वहाँ जहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है वो उसको पूर्ण दृष्टि बोला जाता है या सातवीं दृष्टि बोला जाता है। तो अगर कोई दो ग्रह मतलब बुध और शुक्र अगर आमने सामने बैठे हों, या बुध और मंगल आमने सामने बैठे हों, तो भी आपके प्रेम विवाह होने के फुल चांसेस होते हैं। ठीक है, अब जो अगला रूल है वो है सप्तमेश का शुक्र मंगल के साथ संबंध। अभी मैंने आपको पंचमेश का बताया था, अब सप्तमेश का, सप्तमेश मतलब सातवें घर की राशि का स्वामी को सप्तमेश बोलते हैं। सातवें घर में जो नंबर लिखा होगा उस नंबर की राशि का जो स्वामी होगा उसी को हम सप्तमेश बोलते हैं। तो ये है सप्तमेश, ये है सप्तम भाव यानी सातवां घर। अब सातवां घर में सपोज करो यहाँ लिखा है 11, ऐसा अपन मान लिया, कुछ भी नंबर हो सकता है, एक से लगा के 12 तक के कोई भी नंबर हो सकते हैं, हमने मान लिया कि ये 11 लिखा हुआ। अब हमको यहाँ देखना है 11 में क्या लिखा है, कौन 11 का स्वामी कौन है, शनि। 11 नंबर की जो राशि है उसका स्वामी है शनि। तो अब शनि जो है इस पूरे चार्ट में या पूरी कुंडली में शनि कहीं पर भी किसी भी भाव में अगर शुक्र या मंगल के साथ बैठा हो, शुक्र या तो शुक्र के साथ बैठा हो या मंगल के साथ बैठा हो, तो भी वो प्रेम विवाह को शो करता है, या फिर वो संबंध बना रहे हो। संबंध कैसे बनाते हैं, अभी मैंने बताया, आमने सामने होगा वो ग्रह तो भी यही कहलाएगा। जैसे सपोज करो कि शनि बैठा है चौथे घर में, है ना, और मंगल बैठा है आपका 10वें घर में, तो देखिए यहाँ सामने आमने सामने बैठ रहे हैं, तो ये मतलब ये सातवीं दृष्टि हो गई, इसलिए इसको पूर्ण दृष्टि बोलते हैं। तो यहाँ पर भी चांसेस है, सपोज करो कि शनि बैठा है आपका यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से सातवें नंबर गिन लीजिए, अगर आपको नहीं आता 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर बैठ गया शुक्र, इसका मतलब ये भी पूर्ण दृष्टि हो गई। तो इस तरह से अगर ये ग्रह यानी शनि ग्रह, शनि ग्रह मतलब सप्तमेश, सप्तमेश मतलब सातवें घर का स्वामी,
अगर मंगल या शुक्र के साथ कहीं पर भी बैठा हो तो भी प्रेम विवाह के योग होते हैं, या वो दृष्टि रखते हो, यानी कौन सी दृष्टि, सातवीं दृष्टि रखते हो, तो भी प्रेम विवाह होने के चांस होते हैं। चलिए, हमारा पांचवा नियम है कि सप्तमेश का एकादश या द्वादश के साथ संबंध। सप्तमेश यानी वही सातवें भाव का स्वामी। अब ये हमारे पास सातवां भाव है, इसके साथ लिखा, सपोज करो टू नंबर लिखा यहाँ पे, सातवें में क्या लिखा है, टू नंबर। अब टू नंबर देखा यहाँ पे कि टू नंबर का जो स्वामी वो कौन है, शुक्र है। दो नंबर यानी दूसरी राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र। तो शुक्र का संबंध अगर एकादश भाव से हो, यानी शुक्र अगर एकादश भाव में बैठा हो, ये यहाँ बैठा हो, शुक्र कहाँ बैठा हो, सातवें भाव का स्वामी है लेकिन बैठा कहाँ पर है, एकादश भाव में, या फिर शुक्र बैठा हो द्वादश भाव में, ठीक है। शुक्र या तो कहाँ पर हो, इलेवंथ भाव में हो, या फिर वो ट्वेल्थ जो हाउस है उसके अंदर बैठा हो, तो भी यहाँ पर प्रेम विवाह के योग बनते हैं। क्लियर। हमारा छठा और सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है वो ध्यान दीजिए, पंचम सप्तम का संबंध। पंचम और सप्तम, पंचमेश और सप्तमेश। अब देखिए, ये पंचम भाव है, यहाँ पर पंचम भाव लिखा हुआ है, और ये है सप्तम भाव, ठीक है। ये शादी का भाव होता है और ये प्रेम का भाव होता है। अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा है सेवन, तो ये सेवन, ये एट, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइन होगा। तो पांचवे का, पांचवे भाव का स्वामी, पांचवे का स्वामी कौन है, देखो यहाँ पे, ये है शुक्र, मैंने शुक्र लिखा। इसके बाद सात, सात सात में क्या लिखा है, नौ लिखा है, नाइन नंबर। तो नाइन में देखा तो नाइन का कौन है, गुरु। तो जो नाइन्थवे जो भाव है उसको स्वामी कौन हुआ, गुरु, ठीक है। अभी कैसे संबंध बनाएंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर पंचम भाव का जो स्वामी है, यानी देखो यहाँ लिखा है सेवन, तो सेवन का स्वामी कौन हुआ, शुक्र। अगर शुक्र जो है वो सातवें घर में बैठा हुआ है, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, सातवें घर में, और सातवें भाव का स्वामी कौन हुआ, गुरु हुआ, गुरु बैठा है पाँचवें भाव में, ठीक है। सातवें घर का जो स्वामी है वो पांचवें घर में बैठा हुआ है, और पांचवें घर का जो स्वामी है वो सातवें घर में बैठा हुआ है। तो ये सबसे प्रबल योग होते हैं प्रेम विवाह होने के। या फिर ये दोनों कहीं एक जगह बैठे हों, पहला तो क्या बता दिया मैंने कि सातवें घर का स्वामी पांचवें बैठा हो, पांचवें घर का स्वामी सातवें में बैठा हो, तो भी प्रबल योग है। या पांचवें और सातवें के जो स्वामी है दोनों मिलके कहीं कहीं बारह घर में से कहीं पर भी बैठे हो, जैसे यहाँ पे गुरु और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, या फिर यहाँ पे गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हो, कहीं पर बारह घरों में से कहीं पर भी अगर शुक्र और गुरु, शुक्र गुरु मतलब पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी एक साथ कहीं पर भी बारह में से कहीं भी किसी भी भाव में बैठा होगा, तो शादी होने के, प्रेम विवाह होने के सफल, प्रेम विवाह होने के फुल चांसेस होते हैं। सबसे बड़ा योग यही योग है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए, आपने अपनी कुंडली में सारे योग पंडित जी से दिखवा लिए, ये ध्यान रखना यहाँ पे। वैसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया है, आप बहुत आसानी से देख सकते हो, लेकिन फिर भी आप किसी पंडित से ज़रूर पूछिएगा कि ये जो मेरी कुंडली में प्रेम विवाह के योग है या नहीं है। चलिए, आपने पंडित जी से पूछ लिया, पंडित जी ने बता दिया कि हाँ भाई आपके विवाह करने के, यानी प्रेम विवाह करने के योग है आपकी कुंडली में। लेकिन आगे क्वेश्चन ये आता है कि आप विवाह जो करेंगे वो अपनी जाति में करेंगे या किसी दूसरी जाति में करेंगे, मतलब अंतर जाति विवाह, यानी कि जो एक दूसरे आजकल जो चलता है, किसी का किसी से भी शादी कर लेते हैं, तो आप अपनी ही जाति में, अपने ही समाज में शादी करेंगे या किसी और समाज में शादी करेंगे, ये कैसे पता करें। तो चलिए, इसका भी कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे योग बताता हूँ जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि आपकी जो शादी होगी प्रेम विवाह, अगर प्रेम विवाह हो रहा है तो आप अपनी ही जाति में करेंगे या दूसरी जाति में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला रूल क्या है। देखिए, इसका पहला रूल है पंचमेश और सप्तमेश का नीच राशि में होना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी राशि, कौन सा ग्रह किस राशि में नीच होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, ठीक है, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। तो देखिए, मैंने पहला क्या लिखा है, पंचमेश और सप्तमेश, ये पंचम भाव है और ये सप्तम भाव है, इसके स्वामी को पंचमेश सप्तमेश बोलते हैं। सपोज करो यहाँ पे लिखा है फोर
और यहाँ लिखा है सिक्स, क्योंकि फोर फाइव और सिक्स आएगा यहाँ पे। तो पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश और सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश नीच राशि में हो। अब हम देखेंगे पहले कि जो फोर्थ नंबर है वो उसका स्वामी कौन है। तो फोर्थ नंबर का स्वामी कौन हुआ, चंद्र। ठीक है, चंद्र। अब चंद्र नीच कब होता है, एट्थ में होता है। इसका मतलब ये होगा सेवन, ये होगा एट। तो यहाँ पे अगर चंद्र बैठा हो, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे सप्तम भाव, सप्तम भाव में क्या लिखा है, सिक्स। सिक्स का स्वामी कौन है, बुध। अभी हम देखेंगे बुध कौन सी राशि में होता है, ट्वेल्थ राशि में। तो यहाँ एट, ये नाइन, ये टेन, इलेवन और ये ट्वेल्व, यानी यहाँ पर क्या बैठा हो, यहाँ पर क्या बैठा हो आपका, बुध बैठा हो। समझ में आ गई। पंचमेश और सप्तमेश, पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी अगर नीच राशि में बैठे हो, नीच का कैसे देखते हैं मैंने आपको बताई दिया, अगर वो नीच राशि में बैठे हैं तो आपके का प्रेम विवाह तो होगा लेकिन आपकी जाति में नहीं होगा, आप किसी और जाति में अपना विवाह करेंगे। दूसरा रूल, शुक्र मंगल चंद्र का नीच राशि में होना, यानी शुक्र मंगल और जो चंद्र है अपनी नीच राशि में बैठे हों। ठीक है, सपोज करो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री एंड फोर, ये मैंने कोई किसी की कुंडली लिख ली है। अभी रूल क्या है, शुक्र मंगल और चंद्र नीच राशि में बैठे हों। अब हम देखेंगे शुक्र, शुक्र कब नीच में होता है, जब वो छठी राशि में बैठा होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे होना चाहिए शुक्र। ठीक है, फिर हमने देखा मंगल, मंगल कब नीच का होता है, मंगल होता है फोर्थ में। तो फोर्थ कहाँ लिखा है, यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मंगल। ठीक है, फिर अगला क्या है, चंद्र, चंद्र कब नीच का होता है, आठ में, मतलब चंद्र का होना चाहिए यहाँ पर। अगर इस तरह से पोजिशन है उनकी, किसकी ग्रह की पोजिशन इस प्रकार से है कि वो ग्रह अपनी नीच राशि में बैठे होंगे, तब भी आपके चांसेस शादी करने के तो होंगे, विवाह करने के तो होंगे, लव मैरिज करने के होंगे, लेकिन आप किस में शादी करेंगे, अपनी जाति में नहीं करेंगे, किसी और जाति में या किसी और धर्म में आप शादी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग कि सप्तम या सप्तमेश, यानी सप्तम भाव या फिर सप्तमेश, सेवंथ भाव का जो स्वामी है उस पर राहु या शनि की दृष्टि हो, राहु या शनि की दृष्टि हो। दृष्टि कब होगी, आमने सामने होंगे, 180 डिग्री पे होंगे, तभी उसको एक्चुअल दृष्टि मानते हैं। इसलिए अगर राहु और शनि के सामने कौन हो, तो सप्तम भाव का स्वामी हो, तो भी उसके प्रेम विवाह होने के भी चांस होते हैं, और साथ ही उसके अंतर जाति विवाह यानी कि वो दूसरे धर्म में या दूसरी जाति में विवाह कर सकता है। जैसे सपोज करो सप्तम भाव का यहाँ लिखा है, एक नंबर लिखा है, सपोज करो यहाँ पे लिखा है 11 या 12 लिखा है, सपोज करो यहाँ 12 लिखा है, और 12 में हमने देखा 12 का जो स्वामी वो कौन है, गुरु। और गुरु मान लीजिए कि यहाँ पर बैठा हुआ है, ये गुरु को हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब गुरु के जस्ट सामने शनि हो या गुरु के जस्ट सामने राहु हो, ठीक है, या तो गुरु हो या राहु हो, ऐसी कंडीशन अगर आएगी तो क्या होगा कि उसका प्रेम विवाह होगा लेकिन वो अपनी जाति में नहीं होगा। जरूरी गुरु यहीं पर हो, गुरु कहीं पर भी हो सकता है। सपोज करो गुरु यहाँ पर है, ये मैंने गुरु लिख दिया। अब इसमें सात पर घर ढूंढना अपने को, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो, या तो शनि बैठा हो या फिर शनि नहीं होगा तो राहु हो। इन दोनों में से कोई एक घर, एक भी ग्रह बैठा है तो ये कंडीशन बनेगी, या फिर दोनों ही ग्रह बैठे हैं तो कंडीशन ज़्यादा प्रबल होगी। क्लियर, तो ये कुछ रूल्स थे जिसके थ्रू आप अपनी कुंडली में बहुत आसानी से जान सकते हो कि आपका प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, आपको हस्तरेखा के माध्यम से भी बताया है और कुंडली के द्वारा भी बताया है। दोनों से जो आपको ठीक लगे उससे आप देख लीजिए। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम जाए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।